गाइस तो आज के नए वीडियो में स्वागत है आपका। और आज हम देखेंगे मटन करी बनाने का रेसिपी। इसको पहले हम अच्छे से धो लेते हैं। हो गया, फिर भी पूजा दोबारा हो गया, एकदम कंप्लीट है। गाइस तो ये तीन बार धुल चुका है और इधर प्याज लोग आधा कट चुका है। यहाँ मटन धुल के रेडी है, प्याज धुल के रेडी है और हमने आज कुकर में बनाने का प्लान किया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा कुकर गर्म हो रहा है तो आज हम सरसों तेल यूज कर रहे हैं। एक किलो मटन है तो इसमें हम 250 ml, यानी ये 250 ml का पाउच है तो 250 ml हम सरसों तेल यूज करेंगे। इसको डालिए इसमें। का है गरम और इसमें अभी हम डालेंगे जीरा। डालो और बाकी के जो गरम मसाले होते हैं जैसे दालचीनी है, इलायची है, काली मिर्च है, जो साबुत है वो हम ऐड करेंगे पूरा। ये देखिए गाइस, तो ये देखिए हमारा गरम मसाला भुन चुका है। इसमें प्याज रखेंगे, इसमें अब हम रखेंगे प्याज। तेल काफ़ी ज़्यादा गरम हो गया है। तो हम लोग जब भी मटन बनाते हैं तो हम लोग साबुत लहसुन बहुत डालते हैं, मतलब जब भी बनाते हैं उसमें डालते ही हैं। इससे क्या होता है कि जो लहसुन का टेस्ट है वो बढ़ जाता है और ये लहसुन आपको जब आप खाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। इस वजह से साबुत लहसुन, वैसे लहसुन का इसमें पेस्ट भी जाएगा और ये जो लहसुन है ये साबुत ही रहेगा। ये देखिए प्याज हमारा भुन रहा है अभी, उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ी देर के बाद मटन डालेंगे। ये देखिए लहसुन भी इसके साथ पूरा, मतलब पूरी तरह से सीझ जाएगा तो काफ़ी मज़ा आता है। लहसुन हम लोग ठंड में ज़्यादा खाते हैं लेकिन कभी कभी, जैसे अभी हम लोग बाहर रेसिपी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ खेत है हमारे, इसलिए हम इसमें लहसुन यूज अभी कर रहे हैं। तो अभी प्याज भुन जाता है फिर हम लोग इसमें मीट ऐड करेंगे। तो देखिए इधर प्याज पूरा भुन गया हुआ है, मतलब आधा लगभग। अब इसमें हम लोग मटन ऐड करेंगे क्योंकि मटन भी इसके साथ पूरी तरीके से भुना जाएगा जिससे इसका टेस्ट काफ़ी निखर के आता है। अब मटन डाल देंगे और उसके साथ हम लोग इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जो मसाला जो जितने भी है वो सब ऐड करेंगे। पहले हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने मटन इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम लोग अभी थोड़ा चला देते हैं, मतलब मिल जाएगा ये अच्छी तरीके से प्याज और ये, उसके बाद ये भुना जाएगा। तो देखिए यहाँ जो मटन है वो अपना पानी छोड़ रहा है, यानी तो ये जो है जब तक पूरी पानी यहाँ से जल नहीं जाती, यानी पूरी अच्छी तरीके से भून नहीं जाती। भून जाने, जब अच्छी तरीके से भून जाती है तो इसमें जो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लिक्विड है यानी पानी जिसको हम कहते हैं, ये पूरी तरीके से सूख जाती है। ये देखिए लगभग अभी 5 मिनट भून चुका है और जो इसका लिक्विड था वो गाढ़ा हो चुका है। तो लगभग 10 मिनट और 15 मिनट लगभग और हम इसे भूनेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसमें मसाला डालेंगे। देखिए मटन काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया है, देख सकते हैं नीचे जितना भी वो पानी जो चिकन छोड़ा था वो सब जल चुका है और नीचे ऑयल बचा है। तो अब हम लोग इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये है लाल मिर्च, इसके बाद हल्दी और धनिया डालेंगे। ये देखिए तो हम लोग हल्दी इसमें डालेंगे, तो इसमें हल्दी हो गया। अब इसमें डालेंगे हम धनिया, कोरिएंडर पाउडर, इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर और जो टर्मेरिक होता है वो डाल चुके हैं, तो इसमें हम लोग कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। हम लोग इसे स्पाइसी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तो ये रहा कोरिएंडर पाउडर, और इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे गरम मसाला जो पिसा हुआ है। देखिए घर उधर ना सीधा, तो इसमें हम लोग अभी गरम मसाला ऐड कर रहे हैं पाउडर, और इसके बाद हम लोग करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए लहसुन, तो ये रहा लहसुन और अदरक का पेस्ट, ऐड कीजिए इसको पूरा डालिए। ज़्यादा नहीं होगा, और इसको अब देखो मसाले तो सारे हो गए हैं, और जो मीट मसाला है वो हम लास्ट में इसमें डालेंगे। थोड़ी देर मसाला भूनने के बाद इसमें हम लोग फिर ऐड करेंगे टोमेटो यानी टमाटर। इसको पहले हम भून लेते हैं 5 मिनट, लगभग 5 मिनट मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो पहले इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। अगर नीचे लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जिससे वो मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। थोड़ा सा इसमें अभी हम पानी डालेंगे, ये देखिए हमने बस थोड़ा सा डाला है कि मसाला को अच्छी तरीके से भून जाने के लिए। फिर इसको अच्छे से हम लोग लगभग अभी 5 मिनट और फ्राई करेंगे। तो नीचे लग रहा था इस वजह से हमने अभी पानी डाला है इसमें। अगर आप बना रहे हैं और नीचे नहीं लग रहा है तो आप पानी स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसको 5 मिनट भून लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। मटन जो काफ़ी अच्छी तरीके से अब भुना गया है, और यहाँ देखिए इसमें ग्रीन चिली और टोमेटो जो है उसको अच्छी तरीके से हम कट कर देंगे छोटा छोटा। टमाटर और हरी मिर्ची यहाँ रेडी हो गया है, तो इसको अब हम लोग इसमें डालेंगे। और जब हम टमाटर और ये जो हरी मिर्ची इसमें हम लोग डाल चुके हैं, और इसके बाद इसमें हम लोग अब नमक ऐड करेंगे। हमने नमक अभी तक नहीं डाला था क्योंकि टमाटर डालने के बाद अभी हम नमक डालते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब जल्दी टमाटर को ये घुला देता है यानी घुल जाएगा टमाटर पूरी तरह। इसमें अब हम लोग नमक ऐड करेंगे। आप नमक अपना टेस्ट अनुसार रख सकते हैं, हम लोग ग्रेवी के हिसाब से बना रहे हैं इसलिए ये नमक इसमें इतना डाला जाएगा। ये देखिए तो हमारा मटन काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया है। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से भुन गया है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसका आप रोगन आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। मटन भुन जाने का पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप इसके रोगन से पहचान सकते हैं। रोगन देखिए ऊपर जो आपको रेड सा नज़र आ रहा होगा उसको आप देख सकते हैं, देखिए पूरे कुकर में आपको नज़र आ रहा होगा। तो रोगन ऊपर आ गया तो मतलब जो मटन या चिकन आप जो भी बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब इसे हम गलाने के लिए 2 या 3 सीटी लगाएंगे। इसमें हम लोग अभी पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा जो ग्रेवी के लिए यूज होगा। चलिए अब इसमें हम लोग पानी ऐड करते हैं, उसके बाद मीट मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चाहे ऊपर से धनिया पत्ता डाल सकते हैं, अभी वो आपकी मर्ज़ी है, आप धनिया पत्ता इसमें अभी भी डाल सकते हैं या फिर बनने के बाद भी डाल सकते हैं। इसमें हम लोग अभी पानी ऐड करेंगे अपने ग्रेवी अनुसार, और धनिया पत्ता ऐड करेंगे और मीट मसाला ऐड करेंगे। पहले हम वो कर लेते हैं। तो हम इसे ग्रेवी वाला बना रहे हैं ज़्यादा, तो इस वजह से हमने इसमें जो जितना हमें ग्रेवी चाहिए उस अनुसार हम लोग इसमें वाटर ऐड कर चुके हैं, और इसमें हम लोग सीटी लगाएंगे। गाइस तो मीट मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी। हम लोग इसमें अभी धनिया पत्ता इसलिए डाल दिए हैं कि ये गल जाए इसी में, और इसका टेस्ट है वो पूरे मटन के अंदर अंदर तक चला जाता है, क्योंकि अभी जो प्रेशर होगा प्रेशर कुकर के अंदर इस वजह से ये पूरे मटन में अच्छे से घुल मिल जाएगा। हम चाहते तो इसको बाद में भी रख सकते थे, वो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये देखिए हमारा मटन अब बस गलने के लिए तैयार है। अब इसको हम कुकर की जो ये है इसको लगा के, और फिर इसको हम 3 या 4 सीटी लगाएंगे, क्योंकि मटन है, मटन को घुलने में लगता है थोड़ा सा समय इस वजह से। ये देखिए तो हम वेट करते हैं अब सीटी आने का, 4 सीटी हम अभी लगाएंगे।
सीटी आने के बाद अब हम लोग इसको गैस जो है उसको हम ऑफ करेंगे। हमने कर दिया गैस को ऑफ और अब हम लोग इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे इसका जो प्रेशर है वो नहीं निकालेंगे, इसको अब ठंडा हम अच्छी तरीके से होने देंगे जिससे अंदर का पूरा अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसको लगभग अभी ठंडा होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा मटन कैसा बना है। गाइस तो देखिए हमारा मटन अब यहाँ ठंडा हो चुका है, अब इसको हम खोलेंगे। ये देखिए हमारा मटन पूरी तरीके से तैयार है और जो आप रोगन देख सकते हैं सही पता चलता है ये कितना टेस्टी बना है। दुकान बनो चाहिए भैया, देखिए काफी अच्छी तरीके से ये गल गया है। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके।